वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉइल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सिलिकॉन इज़ असेंशियल फॉर राइस एंड मेज। सिलिकॉन किसके लिए असेंशियल है? ये है राइस और मेज के लिए, ठीक है, धान और मक्के के लिए। एजोटोबैक्टर इज़ यूज फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड शुगर केन। एजोटोबैक्टर किस में यूज़ करते हैं, कौन से क्रॉप में? यह है राइस में करते हैं, कॉटन में और शुगर केन में। फिर है ब्लैक सॉइल्स फाउंड इन महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल कहाँ ज़्यादा मिलता है? महाराष्ट्र में। NIF जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन फिक्सेशन, है ना। NIF जीन, NIF जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर है ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सूटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अगर करना है तो ब्लैक सॉइल सूटेबल है, ठीक है। रेड सॉइल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल रेड कलर का क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। सॉइल्स हैविंग pH लेस देन 7 आर एसिड सॉइल्स, ठीक है। जो सॉइल है जिसका pH 7 से कम रहता है उसको बोलते हैं एसिड सॉइल्स। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट इज फेल्डस्पार, ठीक है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मिनरल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? फेल्डस्पार, है ना, 48%। फिर देखते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेशन इज डन बाई हाइड्रोमेट्रिक मेथड, ठीक है। मैकेनिकल एनालिसिस किससे करते हैं? हाइड्रोमेट्रिक मेथड से, ठीक, सॉइल सेपरेशन का। इन रेड सॉइल्स द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज कियोलिनाइट, ठीक है। रेड सॉइल में सबसे ज़्यादा क्ले मिनरल कौन सा रहता है? कियोलिनाइट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर लैंड वेट इज 150 टन्स, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड, 1 हेक्टेयर जो जमीन है उसका 1 सेंटीमीटर अगर सरफेस सॉइल को लेते हैं तो उसका वजन 150 टन का होगा, ठीक है। टोटल पोर स्पेस आर हाईएस्ट इन क्ले सॉइल्स, है ना। क्ले सॉइल्स में टोटल पोर स्पेस सबसे ज़्यादा रहता है। द वेट ऑफ फरो स्लाइस ऑफ सॉइल इज 2.25 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर, मतलब जो फरो स्लाइस का जो वजन है वो कितना है? 2.25, है ना, 2.25 × 10⁶, है ना, kg पर हेक्टेयर, इतना इसका वेट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड इज़ मेनली डिकम्पोज बाई एक्टिनोमाइसिस, है ना। जो वुड रहता है, लकड़ी रहता है, वो डिकम्पोज किससे होता है? जनरली मेनली एक्टिनोमाइसिस से, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिस इज़ हायर इन एल्केलाइन सॉइल, है ना। एल्केलाइन सॉइल में पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है एल्केलाइन एक्टिनोमाइसिस का। ऑन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं मिट्टी में तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होगा। सॉइल्स हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल्स इसको बोलेंगे जिसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। द सॉइल्स विच हैव pH लेस देन 4 आर नोन एज केट सॉइल्स, है ना। ऐसे सॉइल जिसका pH 4 से कम रहता है उसको बोलते हैं केट सॉइल्स, है ना। क्लोराइड्स आर विच टाइप ऑफ मिनरल्स, कौन सा टाइप है क्लोराइड? ये है 2:1:1 टाइप ऑफ मिनरल, है ना। क्लोराइड 2:1:1 टाइप ऑफ मिनरल। वर्मिकुलाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। वर्मिकुलाइट कौन सा टाइप है? ये है 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप, है ना। वर्मिकुलाइट क्या है? 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल है। मोनोक्लोराइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप, ठीक। मोनोक्लोराइट कैसा मिनरल है? 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल है। फिर है कियोलिनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, है ना। कियोलिनाइट नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है, 1:1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज 2.65 × 2.65 g/cc, ठीक। पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? 2.65 g/cm³, है ना। फिर है बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल इज 1.33 g/cc,
मतलब बल्क डेंसिटी कितना होता है? ये है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन एसिड सॉइल्स। रॉक फॉस्फेट किस में एप्लीकेशन करते हैं? एसिड सॉइल में, ठीक है दोस्तों। और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।